हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ और ये इतनी अच्छी वीडियो है कि आपके त्यौहार में चार चांद लगने वाले हैं और इसमें खर्चा कुछ भी नहीं आने वाला है। तो आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो आप दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो सबसे पहली ट्रिप है हमारी, हमने कढ़ाई ली है और उसमें हमने सरसों का ऑयल डाला है। तो यदि आपको ज़्यादा दीपक बनाने हैं तो आप ज़्यादा ऑयल ले सकते हैं और उसमें हमें डालना है मोम। और जो मोमबत्ती हमारे वाइट वाली आती है या फिर कोई भी आपके घर में बची हुई होती है, आप कोई भी मोमबत्ती इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने वाइट वाली ये मोमबत्ती इसमें डाल दी है और हम इन्हें मेल्ट कर लेते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने सारी ही मोमबत्ती को डाल ली है और जो मोमबत्ती का धागा निकला है इसे भी हम बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। और इस तरीके से हमारी दोनों ही चीज़ यूज़ हो जाएंगी और इससे बहुत ही अच्छे कैंडल्स बनने वाले हैं। आप देखते रहिएगा और आप इस तरह के कैंडल्स बनाएंगे तो आपको बहुत ही दीपावली में अच्छा महसूस होगा। तो फ्रेंड्स, जब हमें कुछ टिप्स ऐसी मिल जाती हैं तो हम आसानी से अपने काम को निपटा पाते हैं और पैसों की भी बचत होती है और हम बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। तो जब आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो मैंने ये दिए लिए हैं, आप नए पुराने कोई से भी दिए ले सकते हैं। और हमने इन्हें अच्छे से पानी से धोया है और इसमें हमने जो खड़ी बाती होती है उसे हमने लगाया है। तो इस तरीके से आप डालिएगा फ्रेंड्स, सभी दियों में मैंने बाती को लगाया है। तो बस इसी तरीके से लगाने के बाद आप इसमें मोम डालेंगे। तो इस तरीके से हमारे जो दिए हैं बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो मैंने इन बत्तियों को पहले सरसों के तेल में डिप किया है, आप भी इसी तरह से कीजिएगा तो आपकी जो दिए हैं बहुत ही अच्छे बनकर के तैयार होंगे। तो ये मोम और सरसों का ऑयल हम इसमें डाल देते हैं। तो इस तरीके से डालते जाइएगा। तो बस इस तरह से डालने के बाद हम अपने दियों को ठंडा करेंगे। आप देख सकते हैं कि जहाँ भी मोम ब्लेड में गिर गया है वहाँ पर ठंडा होकर जमने लगा है। तो इसी तरीके से ये दिए भी जमने लगे हैं क्योंकि दिए ठंडे हैं, पानी से हमने वॉश किए थे तो ये बहुत जल्दी जम जाएंगे। तो इन्हें फ्रिज में रखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आप दिए बनाइएगा क्योंकि ये जो दिए होते हैं हमें बाज़ार में बहुत ही महंगे रेट पर मिलते हैं। और ये जो मोमबत्ती का धागा हमारा बच गया था, हाँ, तो हमने बाउल में इस तरीके से हम इसे लगाएंगे। तो हमें लेनी है एक झाड़ू की सीख और इसको जितनी सीख हमें चाहिए उतनी हम तोड़ कर ले लेते हैं। तो बस इसमें हमने इस तरह से लगाया है और धागे को हम इस तरीके से कस के लगा देते हैं और धागा इसको इसे हमें खड़ा करना है। और बाकी जो मोम और ऑयल का जो घोल है वो इसमें भी ऐड कर देते हैं। इस तरीके से आप घर में टूटे जो कप होते हैं यानी कि जिनका हैंडल टूट जाता है या गिलास होते हैं या कोई भी ख़राब पड़ी हुई बाउल होती है वो भी ले सकते हैं और इस तरीके से बना सकते हैं। और ये दीपावली पर बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आप इसे ज़रूर से फॉलो करिएगा और वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। और आप देख सकते हैं कितने सुंदर दिए बनकर तैयार हुए हैं और इनका कलर भी बहुत अच्छा है। अभी ये जमे नहीं है पूरे, अभी ये थोड़ा और वक्त लेंगे जमने में, लेकिन फिर भी जल्दी ही हो जाता है, ये प्रोसेस ज़्यादा टाइम का नहीं है। तो इस तरीके से आप सुंदर सुंदर दिए बनाकर रख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें देसी घी भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सरसों का ऑयल ऐड किया है क्योंकि सरसों का तेल लक्ष्मी जी को बहुत पसंद होता है और इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं, इसलिए मैंने सरसों का ऑयल ऐड किया है और इससे प्यारा सा कलर भी आ गया है। तो फ्रेंड्स, ये भी हमारा जो हमने बाउल में डाला है ये भी हमारा ठंडा होकर जमने को आया है। तो जब जम जाए तो आप सीख को निकाल दीजिएगा और ऊपर से बाती को हल्का सा काट दीजिएगा। तो इससे बहुत ही सुंदर दिया बन करके तैयार हो जाता है। और जब आप रंगोली बनाते हैं तो वहाँ पर इन्हें रखने से चार चांद लग जाते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। तो बस देख सकते हैं आप, ये हमारे जम करके तैयार है, हमने सीख को निकाल दिया है। तो बस इस तरीके से आप अपने घर में दिए बनाइएगा। तो इसमें खर्चा भी ज़्यादा नहीं आता है और थोड़ी सी मेहनत के साथ हम, बल्कि मैंने तो ये पुराने दिए ही लिए हैं और पुराने ही दियों को मैंने यूज किया है और मेरे इतने सुंदर दिए बन करके तैयार हो गए हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आप जरूर से करके देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे मन चाहिए रंगोली के साथ सजा सकते हैं। तो आप अपने दिए को इस हिसाब से ज़्यादा भी बना सकते हैं।
आप चाहें तो दो मोमबत्ती और ज़्यादा सरसों का ऑयल डाल करके ज़्यादा मात्रा में दिए बना कर रखें, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप दीपावली पर बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। और ये जो मैंने पानी पर दिए लगाए हैं, ये इससे पहली वीडियो आप देख सकते हैं, जो ये वीडियो मैं अपलोड करूँगी इससे पहली वाली वीडियो में ये बनाने की विधि बताई गई है बहुत अच्छे तरीके से। और ये पानी पर जो दिए तैर रहे हैं ये भी बहुत ही सुंदर तरीके से बन जाते हैं, बहुत ही आसान है ये बनाना और इसमें खर्चा भी कोई नहीं आता है और देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इसलिए फ्रेंड इससे पहले वाली वीडियो भी आप मेरी ज़रूर से देखना। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आप देख सकते हैं दिए हमने जला दिए हैं और रात के समय तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके से आप फ्रेंड ज़रूर से कीजिएगा, आपको ज़रूर से पसंद आएगा। और हम एक मोमबत्ती ले लेते हैं और जो बाकी दिए हैं उन्हें भी हम प्रज्वलित कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे दीपावली में चार चांद लग जाएंगे और हमारा खर्चा भी कुछ ज़्यादा नहीं आएगा, तो कितना अच्छा रहेगा। और इससे हमारा काम भी जल्दी से हो जाएगा क्योंकि ये तैयार दिए जल्दी से जल पाएंगे और ये दिए हमने डेकोरेट करने के लिए लगाए हैं। और इसलिए पूजा के जो दिए होते हैं वो अलग होते हैं, ये सजाने के काम आते हैं, यानी कि जब हम रंगोली बनाते हैं तो उस पर हम इन्हें सजा सकते हैं और इनसे बहुत ही सुंदर रंगोली बन जाती है। तो इस तरीके से जो बाती को हम खड़ी लगाएंगे और इसमें हमें सीख लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसमें लंबी बाती ना लगाकर इसमें खड़ी बाती लगाई जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। और इस तरीके से आप अपने दियों को तैयार कर सकते हैं और ये काम आप दीपावली से एक दो दिन पहले भी करके रख सकते हैं क्योंकि इससे आपको आसानी होगी और आपका काम जो है दीपावली पर आपको समय नहीं मिल पाता है तो उसमें आसानी होगी और इन्हें आराम से आप जला पाएंगी। तो कितने प्यारे दिए बने हैं और इस तरह से आप रंगोली भी सजा सकती हैं, बहुत ही सुंदर हैं ये, कितने प्यारे लग रहे हैं। और इनका जो कलर है वो बहुत ही सुंदर आ गया है क्योंकि सरसों का तेल पीला होता है और इससे इनमें पीला कलर आ गया है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। आप चाहें तो कुछ पुष्प भी और भी डेकोरेट कर सकते हैं और इससे आपकी रंगोली बहुत ही प्यारी बनेगी। तो कितने सुंदर हैं। तो फ्रेंड जब कुछ टिप्स ऐसी मिल जाती हैं जो आपका काम आसान करें तो कितना अच्छा होता है और आप दीपावली अच्छे से मना पाएंगे। और जब कुछ टिप्स मिल जाती हैं तो उससे हम पैसों की बचत भी कर पाते हैं और ख़राब चीज़ों से ही अपना बहुत ही सुंदर चीज़ बना पाते हैं तो कितना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स मैं नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ, आप ज़रूर से देखते रहिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप दुनिया के किस कोने से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये बना पाएंगे और बहुत ही सुंदर लगेंगे और दीपावली पर इसे आप अच्छे से यूज कर पाएंगे और बहुत ही अच्छा है। और इस तरीके से आप दिए बनाकर जिनका काम है, जिनका बिजनेस है यानी कि दुकान है, अपनी दुकान पर भी इस तरह से दिए बनाकर बेच सकते हैं और अपने पैसे भी बना सकते हैं। तो इससे आप पैसे भी कमा सकते हैं और अपने दीपावली पर भी यूज कर सकते हैं और इस तरीके से आप बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी तरफ से शुभ दीपावली और जय श्री राम।